आपका जो कला है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? मैं जब गांव जाता हूँ और बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जैसे कि मैं आप आज मैं बताया था कि कुछ लेखक हैं, कुछ गायक हैं, कुछ हमारे आदिवासी स्टोरी जो कहने वाले हैं, जो गा के बताते हैं, उनसे मैं धरती की उत्पत्ति कैसी, जन्म हुई, आदमी कैसे जन्म हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, जंगल में हम लोग जब जाते हैं तो कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम लोग तीज त्यौहारों में कैसे करते हैं, तो वो जो है ना गा के बताते हैं और उनसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो भले वो गोंड आर्ट ना हो लेकिन वो जो कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ और वो अपने तरीके से कैसे करते हैं और मैं अपने तरीके से उसको कैसे अपने रंग दे सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ आपने पेंटिंग देखा होगा जिसमें ब्लैक एंड वाइट है, जिसमें कलर कुछ नहीं है, लेकिन कलर नहीं हो के भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लोग मुझे बोलते हैं तब, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा नया हो और मिक्स भी हो और लेकिन मेरे अपनी जड़ से अलग ना हो। आपकी कला का मूल मूर्द रूप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आपका क्या, किस फॉर्म पे आप काम करते हैं? हम लोग स्टोरी के ऊपर काम करते हैं ज़्यादातर। आप पेंटिंग मेरे देखेंगे तो स्टोरी है, पेड़ पौधे हैं और राजाओं की कहानियां हैं और उसके ऊपर ही हम लोग ज़्यादातर फोकस होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंटिंग हैं जो अपने आप कहानियां कहती हैं, मैं बहुत सारे पेंटिंग में जिसमें कुछ कहानियां नहीं दी हैं जी। तो अभी ये जो आपका कला और समाज, मतलब कला के माध्यम से आप हमारी आने वाली पीढ़ी को या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जिससे हम ये कहानियाँ सुनते हैं, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको हमने जाना है, ये पेड़ पौधे जीव जंतु हमारी जो गाना ददरिया सुआ रीना ये कर्मा जो भी होते हैं, ये चीज़ों को बचा के रखा जाए और आने वाला पीढ़ी अगर इसको बचा के रखे। अभी मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये है बाना सॉन्ग, जो वाद्य है, जो उसमें तार नहीं है, घोड़े के बाल से बनता है और ये वाद्य है जिसको गा के, जिसका नाम है बड़ा देव, और उस वो बड़ा देव को बजा के और गा के पूरी सृष्टि की उत्पत्ति और जीव जंतुओं के बारे में बताते हैं और उससे ही हम लोग सुनते हैं। तो उसको बचाए रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि इसको बचाना चाहिए, गवर्नमेंट भी बचाए। मैं अपने तरीके से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मुझे अभी गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दे रखा है कि इसको आप बचाइए। तो कोशिश ये है कि वो जो बुजुर्ग हैं उसमें एक गांव में आप ज़्यादा से ज़्यादा दो आदमी मिलेंगे आपको वो बजाने वाले, तो जिससे हम सुनते हैं हमारी परंपरा के बारे में, हमारी संस्कृति, जो भी त्यौहार क्या था, कैसे थे, क्या लोग थे हम लोग, तो उसको बचाने के लिए अगर नए लड़के अगर आते हैं और एक स्कूल की तरह अगर उसको खोलना चाहते हैं और उसको पढ़ें और समझें और गाएं और ताकि वो जीवित रहे, नहीं तो हम लोग पुस्तक में ही पढ़ते रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो बचे रहे, उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। अभी कोशिश ये है, पूरा तो हुआ नहीं।